ये पाइथन था, इसका जो स्टमक था ये बाहर निकल गया था, तो स्टमक को पहले क्लीन करके अंदर करा गया, फिर सूचर्स टाके लगाया गया उसको। कितने टाके लगाए गए? ये उसको अंदर की लेयर, अंदर पहले मसल्स में लगाए गए थे 5-6 टाके, एंड देन ऊपर उसको लगाया गया कंटिन्यूस। अब इसकी स्थिति कैसी है अभी? तो ये ठीक है। आज मुझे एक रेस्क्यू कॉल आया था पाइथन का, मोरा डुंगरी नाम का एक गांव है सारनी के पास। उन्होंने सूचना दी कि उनके खेत में काम चल रहा था और एक मशीन से सांप थोड़ा सा कट गया और उसका पेट का कुछ हिस्सा बाहर आ गया, जिसके बाद मैंने वन विभाग को सूचना दी और इसके बाद हमने उसका रेस्क्यू करा वन विभाग के साथ जाकर। फिर घोरा डुंगरी में वेटनरी डॉक्टर हैं सीमा ठाकुर, उनके पास हम यहाँ पर इलाज कराने के लिए सांप को लेकर के आए। ये कौन सी प्रजाति का सांप है? ये अजगर है, लगभग 7 फीट लंबा है। इसका पेट बाहर आ गया था, जिसका काफी देर तक लगभग 1 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद उसको टाके लगाकर उसका पेट अंदर करा गया और अभी निगरानी में रखा गया है। लोगों से ये अपील है कि अगर आप अपने खेतों में जा रहे हैं काम करने, तो मशीन चलाने से पहले एक बार अच्छे से डंडा घुमाकर खेत में देख लें कि वहाँ कोई बड़ा सांप मौजूद तो नहीं है। इससे वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे।